हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही यूनिक से एक रेसिपी, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, एकदम लास्ट तक देखिएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक दीजिएगा, अगर पसंद आया तो लाइक दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी तो आज का दबाइए। डिश बनाने के लिए हमें चाहिए एक टिफ़िन बॉक्स, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। और देखिए, मैंने यहाँ पर फ़िश लिया है। आप ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा फ़िश भी ले सकते हो, लेकिन मेरा टिफ़िन बॉक्स छोटा है इसलिए मैंने सिर्फ छोटे छोटे 4 पीसेस फ़िश लिए हैं। तो इसको अच्छे से धो लिया है, आधा चम्मच नमक दे दिया है मैंने इसमें। अभी मैं इसमें यूज़ करूँगी थोड़ा सा हल्दी, एकदम थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ये जो डिश है ये बैचलर लोगों के लिए और जो वर्किंग वूमेन है उनके लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बन जाता है ये। तो देखिए, यहाँ पर नमक दे दिया है, हल्दी दे दिया है, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर मैं इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर मैं इसमें डालूँगी, एकदम थोड़ा सा, और सभी मसाले को अच्छे से मिलाकर हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ एसएमएस बॉयल फिश करी, जो कि बहुत ही लाजवाब, टेस्टी, मज़ेदार है। तो पूरा वीडियो आप देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इसको अच्छे से हमने मैरिनेट करना है, तो मैरिनेट हमने कर लिया है। ये देखिए, मैंने चावल लिया है, चावल को अच्छे से धो लिया है। सभी को मैं अभी प्रेशर कुकर में डाल दूँगी और उसमें अभी पानी भी डाल दूँगी। ये जो डिश है हम प्रेशर कुकर में टिफ़िन बॉक्स में बनाएंगे, जो टिफ़िन बॉक्स है उसमें डालेंगे फिश और उसको हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 2 टमाटर लिए हैं, 2 ड्राई चिली लिए हैं, दोनों को हम जला लेंगे अच्छे से, टमाटर को भी और ड्राई चिलीज को भी। तो जैसा कि मैं बोल रही थी आपको कि आज हम बनाएंगे जो डिश वो बनाएंगे हम प्रेशर कुकर में, एक साथ में इधर फिश भी हो जाएगा और साथ में चावल भी बन जाएगा, दोनों हमारा साथ में ही हो जाएगा। तो अच्छे से हमें ड्राई चिली को जला लेना है और टमाटर के दोनों साइड भी अच्छे से हमें जला लेना है, और टमाटर थोड़ा सॉफ्ट भी होना चाहिए। देखिए, मैंने यहाँ पर 3 छोटे छोटे प्याज को अच्छे से चॉप करके लिया है, 3 ग्रीन चिलीज लिए हैं, और ये देखिए 4-5 लहसुन के कलियों को मैंने छोटे छोटे पीसेस करके काट लिया है, और धनिया पत्ता लिया है मैंने यहाँ पर खूब सारा। और ये हमारा टिफ़िन बॉक्स, और ये हमारा फिश जो हमने मैरिनेट करके रखा था, तो ड्राई चिली वो भी हमने डाल दिया है प्याज और सभी मसालों के साथ। ये देखिए हमारा टमाटर, वो भी अच्छे से जल गया है, उसका जो काला जो पोर्शन है हमने उसको निकाल दिया है। धनिया पत्ता ले रही हूँ मैं, सभी धनिया पत्ता हम एक ही साथ, टमाटर, धनिया पत्ता, ग्रीन चिली, ड्राई चिली, लहसुन और प्याज को एक साथ मिक्स करके इसको हम हाथ से मिला लेंगे। टमाटर को इसको जला कर देने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, एक स्मोकी फ्लेवर आता है इसका। हमें इसको हाथ से अच्छे से मसल कर मिक्स करना होगा सभी को। सभी को अच्छे से मिलाएंगे। तो हमारा मसाला मिक्स हो गया है।
फिश भी मैं इसमें डाल दूंगी। ऐसा मिस लोग इस फिश में जो मैंने मैरिनेशन के टाइम में मसाले दिए थे वो मसाले वो लोग नहीं डालते हैं, लेकिन हम तो बंगाली हैं, हमें तो ज़्यादा मसालेदार खाना पसंद है, तो इसलिए मैंने इसमें मसाले डाले हैं। आप अगर एकदम ओरिजिनल ऐसा मिस डिश बनाना चाहते हो तो आप इसमें जो मैंने मैरिनेशन किया था तो आप उसमें मसाले स्किप कर सकते हो। इस डिश का इंस्पिरेशन मुझे मेरी एक फ्रेंड तनुश्री से मिला है, तो वो असमीस है और वो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है, तो मैंने ये डिश उससे सीखा है। आधा चम्मच नमक मैं इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि हमने फिश को मैरिनेट किया था तब भी नमक यूज़ किया था, तो मैं अभी ज़्यादा नमक नहीं यूज़ करूँगी, आप अपने स्वाद अनुसार ये डालिएगा। थोड़ा सा सरसों का तेल, ज़्यादा नहीं, 2 टीस्पून हमने सरसों का तेल दिया है। आप इसमें रिफाइन ऑयल बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिएगा, इसको आप सरसों के ऑयल में बनाइएगा तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। मैं इसको एडिट करते करते मेरे मुंह में पानी आ रहा है, उसमें ये बहुत ही लाजवाब है। तो नमक और तेल देने के बाद हमने इसको फिर से मैरिनेट कर लिया है, फिर से इसको मिक्स कर लिया है। अभी हम इसको टिफ़िन बॉक्स में शिफ्ट करेंगे। पहले हम फिश के पीसेस को शिफ्ट कर रहे हैं। उसके बाद सभी मसाले को बोल में थोड़ा सा पानी हम मिला लेंगे। थोड़ा सा मसाले में हमने पानी मिला लिया था उसी बोल में, और ये पानी हम डाल देंगे टिफिन बॉक्स में। ताकि ये जो पानी है इससे हमारा फिश जो है वो भी बॉयल हो जाए और सभी मसाले भी बॉयल हो जाए और उसका टेस्ट भी बना रहे। ज़्यादा पानी हमें इसमें ऐड नहीं करना है, नहीं तो ये लीक होकर प्रेशर कुकर में जो हमारा राइस बनेगा उसको ख़राब कर सकता है। तो हमें ढक्कन को अच्छे से लगाना है, एकदम टाइट से। अभी हम इसको डाल देंगे प्रेशर कुकर में, और प्रेशर कुकर में सिर्फ हमें 2 सीटी देना है। 2 सीटी में हमारा राइस और हमारा फिश दोनों बन जाएगा। ढक्कन को अच्छे से लगा देंगे और सिर्फ 2 सीटियों का हमें वेट करना होगा। तो देखिए 2 सीटी के बाद हमने निकाल लिया था, और देखिए हमारा भात एकदम परफेक्टली कुक्ड हुआ है। और ये देखिए हमारा टिफिन बॉक्स, इसको हमने निकाल के पानी में रखा है क्योंकि ये अभी भी बहुत गर्म है, इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद ही हम निकालेंगे। देखिए इसमें चावल लग गया है थोड़ा, कोई बात नहीं, ये बहुत ही शॉर्टकट और इजी है। देखिए हमने ढक्कन उठा दिया है और ये हमारा स्टार डिश बनके तैयार है। आपको मैं इसको सर्व करके दिखाती हूँ, इसका कलर देखिए, और इतना जल्दी ये बन जाते हैं कि आप पूछो ही मत। तो हमारा मज़ेदार रेसिपी यहीं पर कंप्लीट होता है। आप मेरे इस पूरे वीडियो को देखिएगा, और आपको ये डिश कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको और कौन सा रेसिपी का वीडियो चाहिए, कैसा वीडियो चाहिए, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।